फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के बज गए हैं 8 और अब आज सैटरडे है और आज मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ काम के लिए। क्योंकि क्या होता है कि सैटरडे को मुझे ऑफिस में जाना होता है, वीकली मीटिंग्स होती है हमारी उसको प्रेजेंट करने के लिए कि आपने हफ्ते के अंदर वीकली क्या काम किया उसको पूरा डिस्क्राइब करना होता है, तो वो हमारी वीकली मीटिंग होती है। तो अभी मैं निकल चुका हूँ अपने ऑफिस के लिए, तो आज का जो व्लॉग है वो यहीं से शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको अपना ऑफिस का हल्का सा लुक भी दिखाऊंगा कि हमारा ऑफिस कैसा है, कंपनी कैसी है हमारी। सैटरडे है तो मुझे लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा, लेकिन आगे पता नहीं रोड का क्या हाल है, वो जब आगे जाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सैटरडे को इतना, एक्चुअली क्या है कि सैटरडे को ना इतना ट्रैफिक होता नहीं है, तो आज शायद सड़कें आप देख रहे होंगे बिल्कुल खाली हैं, पर आगे का कुछ पता नहीं है कि कहीं जाम मिल जाए। तो आज क्या है कि ना नीतू को शाम को डॉक्टर पे लेकर जाना है, क्योंकि क्या है कि उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, तो वो एक बार डॉक्टर से जाकर मिलकर एक बार क्लियर करना है कि क्या प्रॉब्लम आ रखी है। और दूसरा, एक यूज़र ने मुझे कमेंट करके बोला है कि गौरव भैया आप ना जब भी वीडियो बनाते हो तो स्क्रीन में देखकर बात करते हो। एक्चुअली क्या है कि अभी इतनी आदत नहीं है वीडियो बनाने की, तो अभी शुरुआत किया है तो कभी कभी जो नज़रें हैं ना वो स्क्रीन पे चली जाती है, अपने फेस पे चली जाती है, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बनाता हूँ वीडियो, तो आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन एक बहुत अच्छे यूज़र ने मुझे कमेंट करके बोला कि भैया आप जो फ्रंट कैमरा है ना उसके अंदर देख कर बात किया कीजिए, तो अभी मैं कोशिश में लगा हूँ, लेकिन धीरे धीरे नज़रें ना मेरे को अपना चेहरा देखने में मजबूर कर देती हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो फ्रेंड, ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बना के रखिएगा और हमें गाइड करती रहिएगा कि हमारे लिए कि हम कैसे गलत हैं कैसे सही हैं, और वीडियो बनाने के लिए या आपके लिए हम कैसे अपने आप को बेहतर बना सकें। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था क्योंकि मैंने कुछ टाइम से वीडियो नहीं डाले हैं, क्योंकि क्या कि कंपनी का थोड़ा सा प्रेशर आ गया था कि काम करने का, मंथ एंड है ना तो बिलिंग वगैरह करवानी होती है, हमारा सेल्स का काम है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रेशर आ गया, तो आपके साथ मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाया क्योंकि कंपनी अभी काम करना जरूरी है, नौकरी पेशा लोग हैं तो हम सब, तो इसलिए बीच में वीडियो नहीं डाल पाया मैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम दिल्ली में एंटर कर गए हैं, तो अगर आप सब ने दिल्ली नहीं देखी है तो ये दिल्ली शुरू हो गई है, ऊपर सामने मेट्रो जा रही है। एक्चुअली क्या है कि मैं एक पॉइंट पे बात करना चाहता था कि जितने भी बहुत सारे व्लॉगर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, लेकिन मेरा जो नेचर है ना वो इंट्रोवर्ट टाइप का है, क्योंकि क्या है कि मुझे बातें ढूंढनी पड़ती हैं, मैं आपसे मतलब क्या करूं। जब अर्जुन और नीतू घर में होते हैं तो सब कुछ अपने आप होता रहता है, तो उनके साथ जो इंटरेक्शन होती है, उनके साथ जो बातचीत होती है, उसका तो मतलब वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन अकेले जब हम आपके साथ रहता हूँ या मैं अकेले होता हूँ तो मेरा जो व्यवहार है, जो मेरा नेचर है, वो इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है कि मैं बोलता रहूँ किसी भी टॉपिक के ऊपर, मेरा मतलब एक तरीके से रिजर्व नेचर है, इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर है, और मैं ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है। तो गाइस, अभी हमारी कंपनी आ गई है। ये है फेस्टो हमारी कंपनी, और मेरे बॉस की कार खड़ी है यहाँ पे, मैं पीछे खड़ी करता हूँ, कार गंदी है हमारी। हमारे मैनेजर साहब। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 7 बज गए और अभी हम सब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था ना कि नीतू को थोड़ा सा डॉक्टर के पास ले जाना है मुझको, तो अभी हम सब, मैं, अर्जुन, नीतू और पापा डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। तो अभी हम ये डॉक्टर के पास आ गए हैं और ये हेल्थ केयर है यहाँ पर, और यही वरना नर्सिंग होम भी यही है पूरा पूरा ना। मम्मी का बीपी चेक हो रहा है यहाँ पे। बैठ जा बच्चे, बैठे अभी यहाँ पर डॉक्टर के पास। तो
वेट के लिए टाइट था और अर्जुन को मस्त हुआ पड़ा है मीडियम के। अर्जुन क्या हो गया बेटा, ऐसे क्यों बैठे हैं, ऐसे कैसे बैठे हो आप, खड़े जाओ बेटा, चलो चलो खड़े जाओ भाई, खड़े हो जाओ खड़े, चलो बेटा। तो गाइस अभी हम डॉक्टर के पास से ऑफिस आ गए हैं घर पे, तो डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है, कुछ मेडिसिन वगैरह लिख दी है डॉक्टर ने, तो कह रहे ऐसा कुछ नॉर्मल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो ठीक है ना फ्रेंड्स। और अभी आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, तो अर्जुन का आपने गाना सुन लिया, अगर गाना पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, हेलो बाय कर दो, गुड बाय कर दो, गुड बाय कर दो, टाटा कर दो, टाटा बाय बाय।